हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप। एकदम थिक, क्रीमी, रिच, हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ ही बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ऐसे टेस्टी सूप के लिए मैंने लिया है टोमेटो। ये हैं हाइब्रिड टमाटर, हाफ के जी हैं। आप चाहो तो इस तरीके के टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देसी टमाटर है, बट इससे सूप थोड़ा सा खट्टा रहेगा और इससे टेस्ट अच्छा भी रहेगा और थोड़ा सा थिक भी रहेगा। आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक प्याज है, लहसुन है, एक गाजर है, आधा बीटरूट है और ये हैं कुछ स्पाइसेस, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च। ये है शक्कर, एक स्पून नमक, कुटी काली मिर्च है, बटर है और यह है कॉर्नफ्लोर। उसके अलावा मैं फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और यह है होल व्हीट ब्रेड। आप ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला है बटर, ये एक टीस्पून बटर है। बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पत्ता। आप चाहो तो यहाँ पे लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पाइस वो आपके टेस्ट के ऊपर है जो आपको पसंद है। डाल के थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद मैंने ये चार पांच लहसुन है जिसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है, डाल के मैं इसको हल्का सा भून ले रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा प्याज। ये टमाटो सूप बहुत ही जल्दी तो बनता ही है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है। इसमें विटामिन ए, सी, आयरन काफ़ी मात्रा में है और हम लोग मार्केट से जो पैकेट खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इस तरीके से घर में बनाओ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी मैंने गाजर डाला था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बीटरूट। मैंने मीडियम साइज़ का जो बीटरूट होता है उसको आधा छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाला है, जिस कलर के लिए डाला है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लिया है, डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हाइब्रिड टमाटर डालने का एक और बेनिफिट है कि इसमें गूदा ज़्यादा होता है और कॉर्नफ्लोर नहीं भी डालने से चलता है, बट यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर। शक्कर डालने से इसका जो खट्टापन, मीठा सब बैलेंस रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे ढक के मैं मीडियम हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकने रख दूँगी। इसे टमाटर धीमी आंच पे अच्छे से गल जाएंगे। अभी मैंने इसे ढक दिया है। 3 मिनट बाद टमाटर थोड़े से नरम हो गए और ऑलमोस्ट पक भी गए, बट पूरी तरह से नहीं पके हैं। तब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें जितना थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अराउंड 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करके चेक करूँगी, फिर उसके बाद मैं बाकी का पानी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने एक गाजर मीडियम साइज़ का यूज़ किया था और बीटरूट मैंने कलर के लिए यूज़ किया है। अगर हम लोग ज़्यादा बीटरूट डालेंगे तो इसमें बीटरूट का फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए बीटरूट कम ही डालना है। अब मैंने इसे ढक दिया है। ढक के अब टमाटर जब तक कि पूरी तरह पक नहीं जाते तब तक हम सूप को पका लेंगे। अब यहाँ एक टमाटर का पीस लेकर उसे स्पून से इस तरीके से प्रेस करके देखते हैं। अगर टमाटर प्रेस हो रहा है इसका मतलब टमाटर कम्प्लीटली पक चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे पूरी तरह ठंडे होने देते हैं। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सी का जार और उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है, एक साथ पूरा डालने से वो मिक्सी से बाहर आ जाएगा। अब ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। मैं एक पैन ली हूँ, उसके ऊपर मैंने रखा है एक स्ट्रेनर, छन्नी रखकर उसमें मैं अभी ग्राइंड किया हुआ टमाटो डाल रही हूँ। मैंने पूरा टमाटो का प्यूरी डाल दिया है, डाल के अब मैं इसे छान रही हूँ। इस तरीके से छानने से में एक स्मूथ टेक्सचर रहेगा। अब मैंने इसको छान लिया है। छान के ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट पार्ट है मैं इसको निकाल दे रही हूँ। निकाल कर अब सॉस को मैं फिर से गैस के ऊपर रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने और आधा ग्लास पानी डाला है। पहले मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला था, अभी मैंने और आधा ग्लास पानी डाला है। डाल के अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून। आप चेक कर लेना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ज़रूरत है तो आप ऐड कर देना। डाल के मिक्स करके अब मैं इसे बॉयल होने रख रही हूँ। बॉयल होते समय इसके ऊपर इस तरीके से झाग आता है, इस झाग को हमें हटा लेना है। झाग हटाने से जो सूप है वो उसमें एकदम शाइन रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी काली मिर्च। डाल के एक बार मैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके उसके बाद
जो कॉर्नफ्लावर है वो मैं इसमें डालूंगी। आप चाहो तो डायरेक्ट सूप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मैंने एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने सूप में डाला है। कॉर्नफ्लावर में बिल्कुल भी गुठली नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो सूप में गुठली बन जाएगा। अब इसको लगातार अच्छे से चलाते हुए एक बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद आप चेक कर लेना, अगर आपको सूप की कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बॉयल आने के बाद अराउंड 30 सेकंड या कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जाते तक उबालना है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अभी मैंने एक और पैन रखा है, रख के उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून बटर और 1 टीस्पून ऑयल, जो भी ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो। उसके बाद जो ब्रेड थे उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो मिल्क ब्रेड या रेगुलर जो हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करके मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट डीप फ्राई थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा इसलिए मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ। पलटते हुए क्रिस्पी होते तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल रही हूँ। निकाल के उसके बाद अब हम लोग करते हैं फाइनल स्टेप। मैंने लिया एक सर्विंग बाउल, उसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो सूप। डाल के इसके ऊपर मैं फ्रेश क्रीम धनिया पत्ती से गार्निश करूँगी और साथ में रखूँगी ब्रेड के क्यूब्स। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी सूप ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।